हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए ए ब्यूटीफुल DIY लेके आई हूँ। इन सब DIY बनाने के लिए मैंने वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट DIY के लिए मैंने प्लास्टिक का एक बॉटल लिया है। बॉटल पे मार्कर के हेल्प से मार्क करके कट करें और फिर वॉल पुट्टी डो लेके मैंने पूरे बॉटल को कवर किया है। वॉल पुट्टी डो को आपस में चिपकाने के लिए पानी का हेल्प लें। पानी से ये आपस में आराम से चिपक जाते हैं। पूरे बोतल को अच्छे से कवर करने के बाद नाइफ के हेल्प से इस पे निशान बनाएं। इस प्लांटर पे मैं दो बर्ड बनाने वाली हूँ। इसके लिए मैंने इसको दो बॉल बना के सूखने के लिए छोड़ दिया। वॉल पुट्टी डो से आप कोई क्राफ्ट बना रहे हो तो पहले जो क्राफ्ट बनाए हो उसे सूखने दें, फिर उसके बाद दूसरा लेयर करें। जो बॉल मैंने बना के रखा थे उस पर मैंने हेड और विंग्स बनाया। वॉल पुट्टी डो बहुत ही सस्ता होता है, इससे आप कम बजट में अच्छे क्राफ्ट बना सकते हैं। प्लांटर के ऊपर मैंने एक घोंसला बनाया है और उसमें तीन अंडे भी रखे हैं। क्राफ्ट सूख जाने के बाद सैंड पेपर के हेल्प से मैंने क्राफ्ट को चिकना बनाया और फिर उस पर कलर अप्लाई किया है। कलर के लिए मैंने ब्राउन एक्रेलिक कलर यूज़ किया है ताकि इस पर ट्री जैसा लुक आ सके। बर्ड को आप अपने पसंद के कलर से भी कलर कर सकते हैं, पर मैंने इस पे मिट्टी के बने पॉट के जैसा लुक क्रिएट किया है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सामने में मैंने कुछ डॉट्स क्रिएट किए हैं। सो फ्रेंड्स, रेडी है ये DIY। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने वायर का यूज़ किया है। इससे मैं एक फ्रॉक बनाने वाली हूँ। फ्रॉक बनाने के लिए मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है। वायर के ऊपर वॉल पुट्टी डो लगा के मैंने फ्रॉक का बॉडी क्रिएट किया है। उसके बाद हेड के लिए मैंने राउंड शेप का वॉल पुट्टी डो लिए हैं। के बाद मैं उसे सूखने के लिए छोड़ दूंगी। बॉडी और हेड थोड़ा हार्ड हो जाए तो उस पर आगे हैंड और लेग क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसे फिर से सूखने के लिए छोड़ दें। फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी डो पे लेयर वाइज ही वर्क किया जाता है, तभी अच्छे से शेप क्रिएट होंगे। उसके बाद मैं माउथ का शेप क्रिएट करूंगी और फिर नीचे का लेग्स बनाऊंगी। माउथ को किसी शार्प नाइफ से कट करें और उसके बाद ब्रश को पानी से भिगा के उसके माउथ को उभारें।
हैंड पे भी नाइफ के हेल्प से कट लगाएं। फ्रॉक को राजा बनाने के लिए मैंने उसे क्राउन पहनाया है। सूख जाने के बाद सैंड पेपर के हेल्प से मैंने उसे चिकना किया है और फिर अपने मनचाहे कलर से कलर किया है। फ्रॉक को मैंने ग्रीन और फिर येलो कलर से कलर किया है ताकि ये क्यूट दिखे। क्राउन के लिए मैंने मेटेलिक कलर का यूज़ किया है। इजी फ्रेंड, रेडी है आपका क्यूट गार्डन स्टिक। चलते हैं नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने वॉल पुट्टी डो को इस मटके के ऊपर बोल बना के चिपकाया है। इससे मैं एक काउ क्रिएट करने वाली हूँ। पानी की हेल्प से डो को स्मूथ करें। काऊ के माउथ शेप देने के लिए मैंने उस पे वॉल पुट्टी का एक और लेयर लगाया है और फिर उसके बाद मैं उस नोज और माउथ बनाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप एक काऊ बहुत ही आसानी से बना सकते हो। कान और सींग के लिए छोटे छोटे टुकड़े ले और फिर उसके बाद उस पर स्टिक करें। उसके बाद सूखने के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद सैंड पेपर से स्मूथ करें और फिर पूरे क्राफ्ट को वाइट एक्रेलिक कलर से कलर करें। काउ को मैं वाइट कलर ही रखूंगी, बस उस पर छोटे छोटे ब्लैक कलर से छींटे बनाऊंगी और फिर माउथ और लेग को ऑरेंज कलर से कलर करूंगी। सींग और आई को मैंने स्काई ब्लू कलर से कलर किया है और नोज को मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये ब्यूटीफुल काउ प्लांटर? तो इसे बनाएं और अपने घर को सजाएं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट DIY की तरफ। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने स्टोन लिया है और उसके बाद मैं इसे सिल्वर पेपर के हेल्प से कवर करूंगी। कवर करने के बाद मैं आगे के पोर्शन को फोल्ड करके एक डक का शेप क्रिएट करूंगी। उसके बाद मैंने वॉल पुट्टी का डो लिया है और पूरे क्राफ्ट को अच्छे से कवर किया है। ये क्राफ्ट बनाना बहुत ही आसान है। इसे बनाने के लिए मुझे बहुत ही कम समय लगा और मेहनत भी नहीं लगा। इसके बाद मैं उसका
विंग्स बनाऊंगी और उस पर छोटे छोटे कट लगा के लाइन क्रिएट करूंगी। सूखने के बाद मैंने उस वाइट कलर में पिंक कलर मिला के पूरे क्राफ्ट को कलर किया है। के बाद मैंने डार्क पिंक कलर से को लेके उसके विंग्स को उभारा है। उसके बाद मैं मेटैलिक कलर का यूज़ करके उसके विंग्स के किनारे पे अप्लाई करूँगी। ब्लैक कलर से आई ड्रॉ करके मैं क्राफ्ट को रेडी करूँगी। तो रेडी है इजी एंड क्यूट डक DIY। नेक्स्ट DIY के लिए मैंने ये दिए का यूज़ किया है। वॉल पुट्टी का डो लेके दिए के ऊपर ये बॉल बना के मैं उसको स्टिक करूँगी। फ्रेंड्स, वॉल पुट्टी डो से क्राफ्ट बनाना बहुत ही आसान है। जब तक आप क्राफ्ट बनाएंगे नहीं तो ये आपको बहुत ही मुश्किल लगेगा, पर जैसे जैसे आप क्राफ्ट बनाएंगे आपको बहुत ही आसान लगेगा। ब्रश के हेल्प से मैं इसको स्टिक करूंगी। उसके बाद मैं इसमें छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी और टर्टल का शेप देने वाली हूँ। बॉडी पे मैंने पेंसिल के हेल्प से ये डिज़ाइन क्रिएट किया है। के बाद मैं टर्टल का नेक बनाऊंगी और सूखने के लिए छोड़ दूंगी। सूखने के बाद मैं इसका हेड बनाऊंगी और फिर सारा बॉडी पार्ट क्रिएट करूंगी। टर्टल के पीठ पे मैंने ये बटरफ्लाई बनाई है। क्राफ्ट सूखने के बाद मैं इस पे ब्राउन कलर अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने एक्रेलिक कलर का यूज़ किया है। लेग और हेड को भी मैंने ग्रीन कलर से कलर किया है। उसके बाद बीच वाले पार्ट पे मैंने हल्का सा ग्रीन कलर लेके उसमें वाइट कलर मिला के कलर बनाया है और मैंने उसे कलर किया है। कलर करने के बाद मैं उस पर अलग लुक लाने के लिए स्किन कलर का यूज़ करके ऊपर से हल्के हल्के हाथों से कलर करूँगी। पूरे क्राफ्ट को अच्छे तरह से कलर करने के बाद मैं अब बटरफ्लाई को येलो कलर से कलर करूँगी और उस पर ऑरेंज कलर से लाइन बना के बटरफ्लाई का पूरा डिज़ाइन क्रिएट करूँगी। टर्टल के ऊपर मैं ये लीफ और फ्लावर भी बनाने वाली हूँ। इससे टर्टल काफ़ी सुंदर दिखने वाला है। अब मैं इस पे माउथ बनाऊँगी। फ्रेंड्स, रेडी है आपका क्यूट सा टर्टल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।